पूर्णिया में खाद की किल्लत को लेकर राज्यव्यापी आह्वान के अंतर्गत पूर्णिया में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। पैदल मार्च आर्यन शाह चौक स्थित शहीद अजीत सरकार के प्रति स्थल से निकलकर समाहरणालय तक पहुंचा। पैदल मार्च में पार्टी के कार्यकारी जिला सचिव राजीव सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर पार्टी के कार्यकारी जिला सचिव राजीव सिंह ने कहा कि जिले में खाद की किल्लत, किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराना, खाद की कालाबाजारी रोकना, फसल की उचित मूल्य देने जैसी मांगों को लेकर मार्च निकाला गया है। वहीं उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर जिला पदाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन है जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन। आज हम लोग किसानों के सवाल पर पूरे बिहार में, खास करके पूर्णिया जिला में खाद मिल ही नहीं रहा है किसानों को। 800 का खाद 1600 में भी नहीं मिल रहा, लोग का फसल बर्बाद हो रहा है खाद के बिना। और हम लोग लगातार सरकार से और पूर्णिया प्रशासन से, यहाँ के कृषि पदाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि आप किसानों को खाद उपलब्ध कराइए, सही मात्रा में बीज उपलब्ध कराइए। लेकिन आज लगातार बोलने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं हो रहा, और अभी किसान का खेती का सीजन है। हम आज पूर्णिया के कृषि पदाधिकारी से मांग करने आए हैं, जिला पदाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपेंगे, उनके माध्यम से बिहार की सरकार को भी हम भेजेंगे कि पूर्णिया में खास करके भरपूर मात्रा में हमको खाद चाहिए और सही बीज। यहाँ डुप्लीकेट धंधा करने वाला, खाद बीज करने वाला जो कुछ लोग गुलाब बाग में व्यवसायी हैं, दो नंबर का खाद और दो नंबर का बीज किसान को उपलब्ध कराते हैं, जिसके चलते उनका फसल बर्बाद होता है और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। ऐसे दो नंबर का खाद बीज बनाने वाले पर भी कार्रवाई हो और उसके फैक्ट्री को सील किया जाए। बड़ा से बड़ा ट्रक पकड़ाता है दो नंबर का खाद या चोरी का खाद, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, कहाँ गायब हो जाता है, कुछ दिन के बाद मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। हम प्रशासन से मांग करने आए हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कीजिए और पूर्णिया में भरपूर मात्रा में खाद का उपलब्ध करवाइए, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग आज इस तरह पूरे देश का किसान केंद्र की मोदी सरकार को झुकने को मजबूर किया, उसी तरह पूर्णिया का किसान भी आपको इस सवाल पे झुका के रहेगा। आज हम लोग चेतावनी देने आए हैं यहाँ के प्रशासन। राजीव सिंह, CPM जिला कमेटी के कार्यकारी जिला सचिव और जिला पार्षद पूर्णियापुर। अभी तक के लिए फिलहाल।